दोस्तों अभी आपके सामने है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी और अभी हम देखेंगे कि कैसे आप टाटा पावर के फास्ट चार्जर जो कि CCS 2 स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस है, इससे कैसे आप अपनी गाड़ी को फास्टली चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा आपकी नेक्सॉन के कैबिन के अंदर और यहाँ हम ओपन करेंगे इसके चार्जिंग पोर्ट को। काफ़ी अर्गोनॉमिक और काफ़ी इजी लोकेशन इसको दी गई है। यहाँ पर से आपको इसको लैच को जस्ट ओपन करना है, जैसे आप पहले अपनी नेक्सॉन के पेट्रोल या फिर डीजल फ्यूल को ओपन करते थे। बाकी इंटीरियर्स आप देख सकते हैं, सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी प्रीमियम लुकिंग है इस गाड़ी का। और यहाँ से इसका जो चार्जिंग का कवर है वो ओपन हो जाता है और उसी के साथ यहाँ पर दिख जाती है हमें इसकी दो तरीके के स्टैंडर्ड्स के ऊपर ले की गई पोर्ट्स। पहला है इसका DC फास्ट चार्जर और ऊपर है इसका AC चार्जर। तो यहाँ से आप देखेंगे इसके सारे सिस्टम को और आइए अब हम समझते हैं इसकी ओर, जो कि है टाटा पावर की तरफ से इसको लाया गया है और जो इसका हार्डवेयर है ये ऑफ़र किया गया है डेल्टा के द्वारा। अभी RD मॉल में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ गुड़गांव में और केवल यहाँ पर एक ही फास्ट चार्जर है जो कि CCS 2 स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करता है। इसमें ऊपर आप देखेंगे तो AC फास्ट चार्जर है और नीचे DC के भी कनेक्टर्स हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ से गन उठानी है, पहले कुछ भी नहीं। और यहाँ देखेंगे तो ये DC फास्ट चार्जर के लिए है, केवल इसकी गन को भी देख लीजिए, इसमें सिर्फ आपको दो पोर्ट मिलने वाले हैं जैसे कि इसके नीचे ही नीचे है केवल। तो ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट चार्ज करेगा जो CCS 2 वाला है। यहाँ जो रेड पोर्ट है इसको अगर आप घुमाते हैं क्लॉकवाइज तो ये बंद हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा सिस्टम, जिसकी ज़रूरत पड़ती है। कई बार गन लॉक हो जाती है तो हमें ये करना पड़ता है, क्योंकि हमने दूसरी गन इस साइड से उठाई है। तो आइए हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं, काफ़ी सिंपल है इसको अंदर डालना, ये अंदर चली जाएगी। तो देखिए इसने रीड करना स्टार्ट कर दिया, बट अब जो मेन काम आता है वो आता है टाटा पावर EZ की जो इनकी ऐप है उसका, जो कि आपको एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में मिल जाएगी। ये सब कुछ इसका पूरा लेआउट है, काफ़ी इजी टू यूज़ लेआउट है। ये ऑटोमेटिकली आपकी जो लोकेशन है उसको डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि मैं अभी RD मॉल में हूँ गुड़गांव में, तो यहाँ पर चार है, क्योंकि देखिए 1, 2, 3 और 4 उनकी जो कैपेसिटी है 7.4 किलोवाट की है और ये 25 किलोवाट का है। तो ये ज़्यादा जल्दी चार्ज करता है, ये नेक्सॉन को 0 to 100 कर देगा करीब 1 घंटा 45 मिनट में, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। आइए अब हम जो 4 है इस पर क्लिक करते हैं। 4 पे क्लिक करके अब देखिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल इसने लेआउट दे दिया, काफ़ी लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा। पहला पूछ रहा है कि AC टाइप 2 के पैसे है 33 रुपये पर 15 मिनट, आप इसके हिसाब से मत जाइएगा, ये सिर्फ ऐसे ही बता रहा है और ये खाली एवरेज कॉस्ट है। चार्जिंग काफ़ी सस्ती है, मतलब मैं बताऊँ आपको, इसने मुझसे 9 मिनट मैंने चार्ज किया था 50 रुपये का और इसने 30 किलोमीटर रेंज मुझे दी थी, तो बहुत सही है। मतलब मैं CCS 2 करता हूँ जो कि इनके पास फास्टेस्ट जो भी है, यस 25 ही करूँगा मैं, क्योंकि प्राइस का तो इसने बताया नहीं ना मिनिमम क्या है करके। टाइम रिक्वायर्ड ये बता रहा है, इतने किलोवाट एनर्जी आपको मिलेगी 25 रुपये में, और ये है सब कुछ सही है। मेरे बैलेंस है 192 रुपीज़ का और 150 रुपये इसको सिक्योरिटी चाहिए होता है मिनिमम। थोड़ा सा आपको टेक माइंडेड रहना पड़ेगा इसके लिए। आइसोलेशन टेस्ट इस बार काफ़ी जल्दी किया है इसने। इसका एक इंडिकेशन और है कि इस साइड जो इसका एग्जॉस्ट फ़ैन है, जो इसका वेंटिलेशन फ़ैन है, ये भी ऑन हो जाता है। तो आप समझ लीजिए आपका काम हो चुका है, आपकी चार्जिंग होनी ही वाली है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन मिलने के बाद उसने पावर वहाँ से छोड़ दी है। 25 रुपये में देखते हैं कि कितने जल्दी हो चुका है। दोस्तों देखिए यहाँ पर साउंड इसकी आ चुकी है, जो कि फ़ैन है, मतलब समझ जाइए। अब दो लोगों का लगाओगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ी लेट अपडेट होता है, बट अगर आप यहाँ देखेंगे 75% गाड़ी में है कि अपडेट हो चुका है उसके हिसाब से, और 17 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं। आइए, ये तो लॉक हो चुकी, इसमें किसी भी प्रकार की लाइटिंग्स इसमें नहीं आती है और सिंपल, चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको बढ़िया एडवांस सिस्टम लेआउट मिलेगा, पहले अंदर बैठते हैं। ये देख रहे 75% हो रही है, 2 मिनट में हो जाएगी, आधा किलोवाट जा चुका है। इसमें 0.342 चल रहा है, इसमें थोड़ा सा ही पीछे चल रहा है, लेकिन ये रियल टाइम बता रहा है। 1 मिनट 35 सेकंड हमें हो चुके हैं और हमने जो एनर्जी कंज्यूम करी है वो ये बताने वाला है। अभी देखिए 0.6 किलोवाट आर हमने कंज्यूम कर ली है और 17 रुपये की 1 किलोवाट है, तो अभी 25 रुपये खर्च नहीं हुए हमारे और करीब 20 किलोवाट की पावर जा रही है इस तार से, 20 किलोवाट की, समझ सकते हैं। हमारे घर में 5 किलोवाट मैक्सिमम होता है गीज़र और ये सब चलाने के लिए, इस तार से 20 किलोवाट की पावर जा रही है इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए। 0.7 किलोवाट जा चुका है,
अब देखिए मैंने 25 रुपये का मार्कर रखा, जिससे आपको एक आइडिया तो लगे कि 25 रुपये में क्या हो सकता है। जब हमने इसको लगाया था तो 75% थी बैटरीज, अभी आप देखिएगा कितनी हो जाएगी थोड़ी देर, क्योंकि ये 78% हो चुकी है, इसमें 77 ही है। ये ज़्यादा रियल टाइम बता रहा है, ज़्यादा अपडेटेड है, इसमें थोड़ा टाइम है क्योंकि ये इंटरनेट से चल रहा है, सर्वर में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी उसी को रीड आउट कर सकता है। 1 किलोवाट जा चुकी है, ये 79% हो गया है, 176 किलोमीटर रेंज कह रहा है, और अगर आप 100% करना चाहते हैं तो 1 घंटा और लगेगा कह रहा है। 80% हो गया लगभग, 25 रुपये में 5% तो हुआ, और मेरा जो कैलकुलेशन था वो ये था कि 1% होने में 5 रुपये 10 पैसे इसमें कंजम्पशन है, तो उस हिसाब से ठीक है। और अगर आप चाहे तो इसको यहाँ बंद भी कर सकते हैं, मैं बंद कर देता हूँ शायद, इसको स्टॉप करते हैं। चलिए इससे 80% पे स्टॉप हो गया है, शायद अब 25 रुपये भी नहीं कटेंगे, इसमें अभी मैसेज आएगा मुझे। अगर ये गन निकल जाती है तो हो चुका होगा बंद, गन निकल चुकी है, तो मेरा जो कमांड था उसने ले लिया। 1.5 किलोवाट इनने हमें दी है 25 रुपये में, ये हो चुका है, और ओके। अब ये हमें समरी भी दे देगा कितना खर्चा हुआ है, 26 रुपये लिए दोस्तों इनने हमसे, और 4 मिनट हुई है, 1.46 किलोवाट आर एनर्जी हमें मिली है 26 रुपये में, 26 रुपये 35 पैसे में, तो ठीक है क्योंकि 17 रुपये का 1 किलोवाट आर है। अब हम ये देखते हैं कि जो 26.35 रुपीज़ में हमने 1.464 किलोवाट आर की बिजली इनसे ली हुई है, इसमें ये गाड़ी कितना चल जाएगी, तो सिंपल सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम करके देखते हैं, 64 था शायद ये, इतनी हमने बिजली ली है, और इसकी जो टोटल बैटरी है ये 30.2 की है, तो इतना आया है। और जो इसकी टोटल रेंज कंपनी क्लेम करती है ये 312 की करती है, लेकिन मैं 280 ही मान रहा हूँ, तो ये 25 रुपये में 13.5 किलोमीटर चल जाएगी। और अगर आप 25 रुपये से 13.5 को डिवाइड भी करते हैं तो देखिए 1 रुपये 85 पैसा ये है इसकी रनिंग कॉस्ट, बहुत ही सही है, 1 रुपये 85 पैसा पर किलोमीटर ये रनिंग कॉस्ट आ रही गाड़ी की, तो आप इजीली इंटरसिटी कम्यूट कर सकते हैं। और जिस तरीके से अभी जो इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है उससे आप लंबी ड्राइव भी आसानी से कर सकते हैं। अब 500-600 किलोमीटर वाला जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप 300 किलोमीटर का अराउंड स्पैन लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं चार्जर किसी ना किसी मॉल में, किसी ना किसी ऑफिस में मिल ही जाएगा। तो ये कुछ थी इसकी चार्जिंग कॉस्ट की बात।